लखनऊ के लुलु मॉल में शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे हिंदू संगठनों के सदस्यों को पुलिस ने खदेड़ दिया। यहां नमाज अदा किए जाने का एक वीडियो वायरल होने के बाद कड़ी सेना और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के सदस्य चालीसा पढ़ने के लिए पहुंचे थे। इनके हाथों में भगवा झंडे थे और ये लोग जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने जब इन्हें मॉल में जाने से रोका तो ये लोग बाहर ही बैठकर चालीसा का पाठ करने लगे। उन्हें हल्का बल प्रयोग करके हटाने की कोशिश की गई तो झड़प हो गई। पुलिस ने मॉल के बाहर प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पकड़ा। 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के साथ ही मॉल की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के अध्यक्ष आदित्य मिश्रा शनिवार की दोपहर 1 बजे अपने 12 से ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ लुलु मॉल पहुंचे थे। उनका कहना था कि जब मॉल के अंदर नमाज हो रही है तो हमें हनुमान चालीसा पढ़ने से क्यों रोका जा रहा है। मॉल के अंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसे सोशल मीडिया पर 13 जुलाई को पोस्ट किया गया था। इसके बाद ही यह हंगामा शुरू हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लुलु मॉल का उद्घाटन 8 जुलाई को किया था। 11 जुलाई से मॉल को पब्लिक के लिए खोला गया था। बुधवार को लुलु मॉल के अंदर नमाज अदा करने का वीडियो पोस्ट हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू महासभा और हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी किरण ने मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान कर दिया। मॉल के मैनेजर समीर वर्मा ने हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर के घर जाकर माफ़ी भी मांगी। किरण को पुलिस ने हाउस अरेस्ट किया हुआ है। हालांकि ये मामला यहीं नहीं थमा और विरोध और भी बढ़ता गया। इसे लेकर हिंदू संगठनों का विरोध लगातार जारी है। लुलु मॉल के मैनेजर समीर वर्मा ने मॉल में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी है। एक नोटिस भी लुलु मॉल के अंदर लगाया गया है जिसमें मॉल के अंदर धार्मिक प्रार्थना करने पर रोक लगाने की बात लिखी है। इसके बाद भी हिंदू संगठनों का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।